صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى من تصلي عليه. جشن سيدا ثواب لوگوں کو مبارک. کیوں منا رہے ہو جشن سید؟ کیا پڑی ہے بھائی؟ جشن اس کا مناتے ہیں جس سے نعمتیں ملتی ہوں. جب 12 ربیع الاول کو اللہ تعالی نے ہمیں نبی دیا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت. اللہ کی بہت بڑی نعمت کہ 12 ربیع الاول کو صبح صادق میں نبی صادق ہم جشن مناتے ہیں میلاد کا. اب جس کے نظریے میں نعمت ہی نہ ہو وہ میدان چھوڑ کے بھاگے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ وہ تو بہت بڑی بات میں نے کہی دی. گھر کی معمولی بات سنو، بیٹا پیدا ہوا، اللہ نے ایک نعمت دیا، وہ برتھ ڈے تو ہم بھولتے نہیں. اور رسول پاک جیسی نعمت مل جائے اور ان کا برتھ ڈے کیسے بھولے. لیکن جس کی پیدائش بیکار ہو، جن کے جنم کا کوئی مقصد نہ ہو اور بھوم کا پتہ نہ ہو، تو ایسے لوگ کائے کو میلاد بلائیں؟ ہم جشن سید اس لیے مناتے ہیں کہ اس سید نے جاتے جاتے نعمت کے روپ میں سید ہی دیا. اور ایسا سید دیا جس میں ادائے مکی ہے، رنگ مدنی ہے. سارے سید واجب الاحترام ہیں، سارے علماء اہل سنت بھی واجب الاحترام ہیں، بشرطے کہ وہ فاسق معلم نہ ہو. لیکن سیدوں میں ہر سید مدنی نہیں ہوتا. جو موٹی جازم کی عطا ہے بس، کون مدنی؟ جو جابیہ شرفیہ مصباح العلوم سے سند لے کے نکلا، پہلے بھی نکلتے تھے اب بھی نکل رہے ہیں، مدنی نظر نہیں آتا. اگر مدرسے نے مدنی بنایا ہوتا تو بھارت میں 1,00,000 مدنی ہوتے. یا رسول اللہ،
की निस्बत, हाफिज़े मिल्लत की शागिर्दी, इल्म और फ़ज़्ल, तक़वा तहारत जब जिस्म का रूप ले ले उसे मदनी कहते हैं। अपर चैंबर में आओ, अपर चैंबर से काम लो। ब्रेन जो है अपर चैंबर में है, हेड में, इसीलिए उसका नाम हेड रखा गया, क्योंकि पूरी बॉडी का हेड है। ब्रेन कंट्रोलर ऑफ होल बॉडी है और सारी नॉलेज उसी को है। पैर को नहीं मालूम क्या चुभा, ब्रेन को मालूम कांटा चुभा। ऊपर आओ, मदनी से ऊपर। पिछली सदी है, पास्ट सेंचुरी, गुजरी हुई शताब्दी। क्या कर रहे हैं आप? अभी गागर नहीं रखा जाएगा, अभी सागर रखा जाएगा। उनका बाप है जो बचाने वालों। जब यजीदियत का फितना आया, उम्मत में बहुत लोग थे, बचाने के लिए फातिमा का लाल आया। और भी हमारे अकाबिर उलमा है जिन्होंने बचाया। मामून का गड़बड़ शुरू किया, इमाम अहमद बिन हंबल ने बचाया। और वो अकबर जो अकबर दीन इलाही चलाया, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी ने बचाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब बड़े घराने का घटिया लड़का शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी जैसे घराने का घटिया पोता, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी जैसे बेहतरीन इंसान का घटिया भतीजा, और शाह अब्दुल गनी का घटिया बेटा इस्माइल दहलवी, उसी दिन से मैंने तय कर लिया रिश्तेदारी के चक्कर में नहीं बढ़ूंगा। देखूंगा घटिया है कि बढ़िया है, घटिया है कि बढ़िया है, घटिया हजरत है या आला हजरत है। हम रिश्तेदारी के जाल से बाहर आ गए और जिम्मेदारी का रंग ले लिया। और जब थाना भवन, एक ऐसा भवन जिसमें थाना हो, एक ऐसा थाना जिसमें भवन हो, वही तो थाना भवन है। वाला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा ने पंगा लिया।
फितने की जड़ काटी। तफक्को फिर दीन का परचम लहराया, फिक्र हनफिया पर इंसाइक्लोपीडिया लिख डाला। बतावे नजरिया शरीफ और कुरान का तर्जुमा किया कंजुल ईमान। सरकार 22 जिल्द 25 जिल्द बनती चली जा रही है फिका की, इस्लामिक लॉ, हनफी मजहब, और खाली तर्जुमा करके कुरान छोड़ दिया आपने। ये मुजद्दिद जानता है आगे क्या हो। इशारा मिल गया कि छाव छाव बरेली का रिश्ता इतना मजबूत है, तर्जुमा बरेली करेगा तो तफसीर की छाव छाव लिखेगा। इमाम अहमद रज़ा ने तर्जुमा किया और आने वाले मुजद्दिद के लिए छोड़ दिया तफसीर। तू लिख, न मेरा तर्जुमा भूला जाएगा न तेरी तफसीर भूली जाएगी। और इस तरह अब आइए, लोग मुकर्रर होते हैं, मुदर्रिस नहीं होते। लंबी लंबी मोटी मोटी, मैं जैसे आवाज में बोलता हूं मगर मैं टीचर नहीं बन सकता। मदरसे में भेजोगे तो मैं टीचर नहीं फटीचर नजर आऊंगा, लेकिन जब माइक दे दोगे तो बड़े बड़े टीचर मेरे सामने अपने को फटीचर समझेंगे। वजह क्या है? मखदूम साहब बादशाह हैं, हर डिपार्टमेंट एक को नहीं देते, डिपार्टमेंट बांट देते हैं। ये फॉरेन का मामला है तुम देखो, ये होम का मामला है तुम देखो, ये प्रॉपर्टी का मामला है तुम देखो, वित्त मंत्री अलग है, गृह मंत्री अलग है, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री अलग है। तो बता के गए, दे के गए। अब आला हजरत ने तर्जुमा किया और शेखुल इस्लाम ने तफसीर लिखी। आला हजरत ने फतावे रिजनिया में उन सवालों का भी जवाब दिया है जिन सवालों का पहले जवाब नहीं था। तो जिसका जवाब पास्ट में ना हो, प्रेजेंट में चुनौती बनकर वो सवाल आ जाए तो उसे हल करने के लिए अब कुतुब खाने में जाओगे तो जवाब नहीं मिलेगा, फतवे पढ़ोगे जवाब नहीं मिलेगा। चुनौती नहीं है तो अब किससे उसका जवाब लिखवाया जाए? चुनौती नहीं ये है, वीडियो टीवी क्या है, क्या इसका कोई शरई इस्तेमाल मुमकिन है? न ये सवाल हिदाया में मिलेगा, न शामी में मिलेगा, न आलमगिरी में मिलेगा, न फतावे निजिया में मिलेगा, क्योंकि जब ये सब लिखी जा चुकी तब ये चुनौती आई। इसलिए रब ने किसे चुना? मुस्तफा ने जिसे कहा, अशरफ ने जिस पे नजर की, मुहदीस आजम ने जिसका हाथ पकड़ा, उसी लिखने वाले का नाम शेखुल इस्लाम। लेकिन अगर बुलवाऊ बुलवाया जाऊंगा तो बुलवाने वाला जिम्मेदार, मैं लिखूंगा तो मैं जिम्मेदार, मुझसे लिखवाया जाए। ऐसा लगता है
कि शैखुल इस्लाम ने लिखा नहीं, लिखवाया गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब शैखुल इस्लाम लिखते कुछ है और हमारे जो खैर खा हमारी भलाई चाहते हैं, हमारे शुभ चिंतक कहने लगे टीवी जाए, वीडियो जाए, फिल्मी लगता है। जब अक्ल बट रही थी तो ये 7 किलोमीटर दूर थे। मुहावरा बोल रहा हूं, हकीकत नहीं बयान कर रहा हूं। इनकार कर दिया गया। नब्बे प्रतिशत लोगों की समझ में आया हमें टीवी को थोड़ी जायज कह रहे हैं, वीडियो को जायज नहीं कह रहे हैं, उसका एक शरई इस्तेमाल बता रहे। जैसे टीवी में बहुत गलत गलत काम किया जाता है, नहीं देखना। अच्छा बाबा तुम ठीक बोलते हो, क्या कोई शरई इस्तेमाल उसमें संभव है? उनकी समझ में नहीं आया, शैखुल इस्लाम की समझ में आया। औरत का भी बड़ा गलत इस्तेमाल हो रहा है, कहीं उसका हिजाब खींचा जा रहा है इन देशों में, कहीं उसे बाल बालिका बना दिया गया, डांसर बना दिया गया, मर्दों ने उसे नचाया, उसकी इज्जत के कपड़े उतार दिए, उसकी मानव मर्यादा और उसके सम्मान को मट्टी में मिलाया, आंखों से गुनाह करते रहे, मजा लेते रहे, औरत बिकती रही, औरत का कितना हराम इस्तेमाल है, एक्ट्रेस के रूप में हराम इस्तेमाल है, हीरोइन के रूप में हराम इस्तेमाल है, प्रोस्टिट्यूट के रूप में हराम इस्तेमाल है, खरीदो फरोख्त के रूप में हराम इस्तेमाल है, तो औरत का इस्तेमाल हराम है, कोई शरई इस्तेमाल है कि नहीं? तो इस्लाम ने कहा हाँ, इन हराम के होते हुए भी औरत का शरई इस्तेमाल ये है, निकाह कर लो। तो हराम की भीड़ में अगर शरई कोई इस्तेमाल निकलता है तो अरे बाप को कौन बोला जो रास्ता बंद करे। तो शरई इस्तेमाल ये बताया हजरत ने कि जो बाहर देखना जायज है वो टीवी में भी देखना जायज, जो बाहर देखना हराम है तो टीवी में देखना हराम। अंदर बाहर की बात बताऊंगा आपको। आप एक आईना लो और छत पे खड़े हो जाओ, इधर घूमा, बीवी दिखाई पड़ी, अब आईने में बीवी को देखना जायज कि नहीं? ऐसे घुमाया, पड़ोसन दिखाई पड़ी, अब वो हराम है, तो क्या आईना तोड़ दोगे या बाहर देखना छोड़ दोगे? टीवी क्यों तोड़ा? टीवी क्यों तोड़ा? क्यों नहीं बुरे मंजर को छोड़ा? पड़ोसन को आईने में नहीं देख सकते मगर बीवी को तो देख सकते हैं, बेटी को तो देख सकते हैं। अरे हराम चीज टीवी में नहीं देख सकते मगर मक्का तो देख सकते हैं, मदीना तो देख सकते हैं, शैखुल इस्लाम को देख सकते हैं, और जब तबीयत खराब हो तो हाशमी को देख सकते हैं। लिख दिया तो लिख दिया,
क्या करम है रब का, तकदीर उसने लिख दिया तो लिख दिया, कोई बदलने वाला नहीं। अल्लाह तेरा करम इतना शैखुल इस्लाम पर जो लिख दिया वो लिख दिया, कोई बदलने वाला नहीं।